मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब 5% हूँ, बट 95% आई एम अ नाइस इंसान। इसका उल्टा होगा। चुप रहे। वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और ये ब्लॉग है ट्यूसडे का। तकरीबन 9 o'clock हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने। साथ में दिनेश जी के लिए मैं चाय बना रही हूँ। ये दिनेश जी की दूसरी बार चाय है और दिनेश जी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। वो प्याज कट कर रहे हैं। दिनेश जी बहुत ही बारीक बारीक प्याज कट करते हैं, तो जब भी मुझे कभी कभार बारीक प्याज कट करवाना होता है तो दिनेश जी का हेल्प मैं ले लेती हूँ। और आप सबको पता है जो ट्यूसडे को मेरा फास्ट होता है, तो मैं बच्चों और दिनेश जी के लिए बना रही हूँ मक्के के आटे का चीला और साथ में बनाऊंगी आलू मेथी। मक्के के आटे का चीला, आलू मेथी और दही बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, एक बार आप सब ट्राई करके जरूर देखना। और दिनेश जी को किसी का फोन आ गया तो वो फोन अटेंड करने चले गए, तो मैं तब तक धनिया और मिर्ची भी कट कर ली हूँ। धनिया थोड़ा मैंने ज्यादा कट किया है क्योंकि चीला में भी चाहिए और सब्जी में भी चाहिए, हरी मिर्च भी। दिनेश जी का चाय डन है और अब मैं सब्जी बना लूंगी। तो सब्जी के लिए मैंने पैन में सरसों का तेल ऐड कर दिया और उसमें मैंने एक प्याज ऐड कर दिया। मैंने जो हरी मिर्च कट करके रखा था, हरी मिर्च भी मैंने ऐड कर दिया और टमाटर, मैंने एक प्याज ऐड किया है, 3 से 4 हरी मिर्च और 3 छोटे टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद वही रूटीन के मसाले ऐड करने हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और मिर्च मसाला आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ा सा कम ज्यादा रख सकते हैं। और आलू मेथी की सब्जी तो हर घर में बनती है, लेकिन हर घर का कुछ ना कुछ तरीका अलग होता है। मैं भी कई तरीके से बनाती हूँ, कभी उबले हुए आलू के साथ बनाती हूँ, कभी नॉर्मल आलू मेथी सूखा भून लेती हूँ, और आज जो बना रही हूँ वो थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, तो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो सारे रूटीन के मसाले ऐड करने के बाद टमाटर को अच्छी तरह से गला लेना था, फिर मैंने उसमें आलू ऐड कर दिया। आलू के मैंने बड़े बड़े पीसेज कट करके रखे थे छिलका हटा के, और आजकल नया आलू आ रहा है मार्केट में तो बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ ही आलू में थी, और थोड़ी देर आलू को तेज आंच पे मसाले के साथ भूनने के बाद फिर मैंने मेथी ऐड कर दिया है। मेथी को तेज आंच पे थोड़ी देर सोटे कर लेना है। और मैं एक मजे की बात दिखाऊं, ये देखिए सांभवी का बिल्कुल कंफर्ट जोन में क्लास चल रहा है, ये देखिए। उस दिन मैंने सासुती का दिखाया था और आज इसको देखिए, मतलब सो भी रहे हैं और क्लास भी चल रहा है, है ना मजे की बात? ऐसा क्लास कभी आज से पहले हुआ था? अम्मा, हाँ, आप मेरी बेइज्जती करा रहे हो। कमरे में बैठ के क्लास करने का मजा ही कुछ और है, जो हमें जनरली करने को नहीं मिलता है। आज तक नहीं मिला था? आज तक नहीं मिला है। पहले बार ले रहे हैं लाइफ में? पहले बार ले रही हूँ। नहीं, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, कम्फर्ट भी और क्लास भी। तो हेलो तो बोलो फ्रेंड्स को मेरे। उठी तो जाओ, कब तक सोई रहोगी? क्लास के बाद उठूंगी अब मैं। मेथी को ढक के मैंने थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया है और चीला का बैटर तैयार कर लूंगी। मैंने यहाँ पर 3 कटोरा मकई का आटा और 1 कटोरा नॉर्मल गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करती हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद रूटीन के मसाले ऐड करने हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो जीरा धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड करती हूँ। और फिर पानी ऐड करके बैटर तैयार कर लेना है। और इधर मैंने आलू मेथी की सब्जी में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, बस पानी इतना ही ऐड करना है जिससे आलू अच्छी तरह से गल जाए, और ढक के थोड़ी देर पका लेना है। और जब तक आलू मेथी पक रही है मैं चीला तैयार कर लूंगी। तवा को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीज कर लिया था मैंने, और उसके ऊपर बैटर को इस तरह से स्प्रेड कर दिया जैसे नॉर्मल चीला बनाते हैं। और मुझे तो मकई के रोटी से ज्यादा आसान चीला बनाना लगता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। क्योंकि मकई का आटा ग्लूटेन फ्री होता है, तो थोड़ा सा चीला बनाने में प्रॉब्लम करता है अगर उसमें हम आटा या बेसन मिक्स ना करें तो। नॉनस्टिक पे तो विदाउट आटा भी बन जाता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आटा मिला देती हूँ, तो इससे आसानी से बन जाता है। तो इसी तरह से मैंने सारे चीले बना लिए थे और
मैंने आज गाजर का जूस लिया था, गाजर और पुदीने का, तो मैंने जूस पहले ही निकाल के रख लिया था, थोड़ा थोड़ा बच्चों ने भी लिया था और साथ में मैंने मूंगफली लिया था। आप सबको तो पता है नॉर्मली मैं व्रत के दिन मूंगफली ही सुबह सुबह लेती हूँ क्योंकि सबसे आसान मुझे वही लगता है। और ये देखिए आलू अच्छी तरह से पक गया और साग का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया, तो लास्ट में मैंने 2 टेबल स्पून भर के घर की मलाई ऐड कर दी है। ये मलाई मस्ट 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 ऐड करें, इससे सब्जी में यूनिक फ्लेवर आएगा। और मलाई ऐड करने के बाद थोड़ी देर मैंने उसको भून लिया था, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। लास्ट में कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और एक अच्छा सा वक्त स्पेंड कर रहे होंगे। तो नाश्ता बिल्कुल डन है, चलिए नाश्ता करते हैं। मुझे नहीं करना है, बच्चे करेंगे और दिनेश जी करेंगे। तो आ जाओ, आप सब भी आ जाओ। मैं जूस लूंगी और मूंगफली लूंगी। वो मैंने परफ्यूम नहीं मंगाया था। हाँ। उसने बोला आज डिलीवर होगा। अभी डिलीवर नहीं हुआ है। चुप रहे, मैंने परफ्यूम मंगाया था। हाँ, नहीं मंगाया होगा। हाँ, दीदी ने मंगाया था। उनको दिखा कर मंगाया है, उनके भी ऑर्डर है। अब बर्थडे में क्या गिफ्ट होता है? अच्छा अच्छा डिश बना दूंगी और बैलून सजा दूंगी। वही तो, बस इस बार तुम लोग ऐसे ही बर्थडे मंगाएंगे ना, गिफ्ट का कहाँ है कुछ? फूड ऐसा है ना, तो फूड फूड कर लेंगे, खाना मान लेते हैं। ज्यादा टाइम पता है नहीं बर्थडे में, मान लेते हैं, पता चली जाएगा। वो तो पता चली जाएगा, वो तो पता चली ही जाएगा। चिन्नू टेस्टी की दे रही है, वो तो पता चली जाएगा। कुछ है नहीं, जहाँ मैं तो कुछ ना कुछ बर्थडे में दे नहीं पाऊंगी। कुछ हिंद है, मैं दे रही हूँ, मान नहीं सकती मैं तुझे इस बार कुछ भी। मैं मान नहीं सकती, तू कॉलेज में थी पिछले साल, तब भी तूने केक ऑर्डर करा था रात को, आधी रात में बनाया था मेरा बर्थडे। चुप है, इस बार थोड़ा सिचुएशन दूसरा है। हाँ, बारी मुझे आना था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था कि खाऊंगी। ये सुनने को मेरे के तो खुद तो आगे गिफ्ट लेके नहीं आई। मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब 50% 5% हूँ, बट 95% आई एम अ नाइस इंसान। इसका उल्टा होगा। चुप रहे। वो तो इसलिए लेके आई थी कहीं यहाँ पे पड़े ना। हाँ, इस डांट में पड़े मुझे, इसलिए मैंने केक ऑर्डर किया था। मैं ऐसे इंसान को लेने गई थी एयरपोर्ट। वो तो वैसे आना पड़ता है। देखिए इन दोनों का कैसा चलता रहता है। उस बार तुम्हारा कोई दोस्त भी आया था साथ में। एक मिनट बिना झगड़े शांति नहीं है, जब भी बैठे नहीं है। हाँ, मतलब बहुत चलता रहता है, चलता रहता है इन दोनों का। अभी हम लोग पियेंगे सांभवी स्पेशल कॉफी। आज डिनर में बनेगा नो ऑनियन नो गार्लिक सब्जी, तो आज मैं बना रही हूँ जिमीकंद का सब्जी और वो भी बिल्कुल फिश खड़ी स्टाइल में। तो ये देखिए जिमीकंद को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था छोटे छोटे पीसेज में कट करके, और उसके ऊपर मैंने नमक हल्दी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा 1 नींबू का जूस भी ऐड कर दिया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जिमीकंद थोड़ा सा गले में लगता है तो उसमें नींबू जरूर ऐड करना होता है, और नमक हल्दी नींबू के जूस से मैरिनेट करने के बाद जिमीकंद को फ्राई कर लेना है। पैन में मैंने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और जिस तरह से हम फिश फ्राई करते हैं उसी तरह से दोनों साइड से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। इधर मैंने चावल उबलने के लिए चढ़ा दिया है, आपने देखा मैं आज बॉइल्ड राइस बना रही हूँ। जब तक जिमीकंद फ्राई हो रहा है मैं एक मसाला पेस्ट तैयार करूंगी, सरसों खसखस और हरी मिर्च का। पहले मैं सरसों और खसखस को ड्राई ग्राइंड कर लूंगी, फिर हरी मिर्च और पानी के साथ पेस्ट बनाऊंगी। और मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून खसखस, 1.5 टीस्पून पीला सरसों और 4 से 5 हरी मिर्च लिए थे। और जिमीकंद सारे फ्राई हो गए हैं तो मैंने तेल में कलौंजी मेथी और सौंफ का तड़का ऐड कर दिया, फिर मैंने इसमें मूली ऐड कर दिया था। मूली को नमक और हल्दी के साथ थोड़ी देर सौटे कर लेना है। थोड़ा सा तड़का में मैंने हींग भी ऐड किया था, और अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च हो तो जरूर ऐड करें। दूसरे पैन में मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया था, मेथी लाल मिर्च और हींग का तड़का ऐड कर दिया, फिर मैंने इसमें 1 बैंगन और 1/2 किलो बथुआ साग ऐड कर दिया था। बथुआ साग में नमक हल्दी ऐड करने के बाद थोड़ी देर सौटे कर लिया था, और फिर टमाटर ऐड करके बथुआ साग को पका लेना है। और जब मूली
अच्छी तरह से पक जाएंगे, फिर मैंने जो खसखस और मस्टर्ड सीड का पेस्ट तैयार किया था पेस्ट को ऐड कर देना है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और मसाला को थोड़ी देर सौटे करने के बाद फिर इसमें ग्रेवी ऐड करना है और ग्रेवी ऐड करने के बाद फिर मैंने जो जिमीकंद को फ्राई करके रखे थे सारे जिमीकंद को ऐड कर देना है। जिमीकंद ऐड करने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हाफ नींबू का जूस मैंने ऐड कर दिया था। नींबू का जूस ऐड करने के बाद ढक के इसको थोड़ी देर पकाना है और लास्ट में कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देना है। और ये सब्जी बिल्कुल फिश करी ऐसी लगती है, वेजिटेरियन फिश करी इसे कर सकते हैं। तो जिमीकंद की सब्जी डन है, तो जिमीकंद की सब्जी डन है और बैगन बथुआ साग की सब्जी भी डन है। बैगन बथुआ के साग में मैं बड़ी भी ऐड करती हूँ, उड़द दाल की बड़ी फ्राई करके, लेकिन आज मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। आप सब उड़द दाल या मूंग दाल की बड़ी छोटी वाली जो आती है जरूर ऐड करना, बहुत औसम बनता है बैगन बथुआ साग। और चावल भी डन है। तो अब बस मुझे दिनेश जी के लिए रोटी बनाना है, फिर हम लोग डिनर करेंगे। सर्दियों में मार्केट भरे पड़े हैं रंग बिरंगे साग से, मटर से, गाजर देख के, मतलब इतने सारी सब्जियां हैं देख के मन खुश हो जाता है। और मेरे घर में बच्चे, दिनेश जी, मुझे भी सब्जी खाना बहुत पसंद है। हम लोग नॉनवेज खाते हैं लेकिन नॉनवेज में भी सब्जी डाल के ही खाना पसंद करते हैं। तो अभी मटर छीलने लगी हूँ। सुबह हमने मेथी का साग बनाया था, मेथी बनाया था, साफ किया था। काम बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि बच्चे अभी इस साल सामवी भी है, पिछले साल नहीं होती थी तो पिछले साल कोई भी साग नहीं खाई थी। इस बार है तो रोज सामवी की फरमाइश होती है, एक साग रोज बनाओ। तो साग छांटना होता है, मटर छीलना होता है, तो बहुत काम बढ़ जाता है। डिनर हमारा हो गया है, अभी ग्रीन टी ले रहे हैं और न्यूज देखते देखते मटर साफ कर लूंगी क्योंकि कल कुछ स्पेशल बनाऊंगी हेल्दी वाला। अभी त्योहार का सीजन था तो हम लोगों ने बहुत अनहेल्दी खाया है, तो कोशिश है ये भी हेल्दी खाने का। तो चलिए मटर छीलते हैं। और ब्लॉग किसी भी एंगल से अगर अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, सब खैर, टेक केयर। लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा।